मैहर में कांग्रेस ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने मामा नाना से बच के रहने का संकल्प लिया और कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेश घई के लिए घर घर जाकर वोट मांगे। माँ शारदा मैरिज गार्डन में कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने विधानसभा पार्टी के प्रत्याशी धर्मेश घई के पक्ष में प्रचार की कमान संभाल ली। शहर के वार्डों में अध्यक्ष पार्षद कार्यकर्ता प्रचार करते हुए लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और कांग्रेस का संदेश मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने मामा नाना टाइप के नेताओं से बचने का संकल्प लिया। कांग्रेस सरकार के 15 महीने में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने बयान कर रहे हैं। तैयार है, पोलिंग स्तर पर टीम तैयार है। आज उनका सम्मेलन हुआ है, आज उनकी बैठक हुई है। हर बूथ स्तर पर किसको किस स्तर पर काम देना है, कैसे वो काम करेंगे, कैसे वहाँ से वोट निकालेंगे, कैसे हमारे प्रत्याशी आदरणीय धर्मेश घई के पक्ष में वो वोट करेंगे या कि वोट मांगेंगे या प्रचार करेंगे, इन सब की बैठक आज थी। और निश्चित रूप से 60 से 65% मैहर विधानसभा क्षेत्र में युवा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, निश्चित रूप से उनका रुझान कांग्रेस पार्टी के लिए है और वो इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा सरल स्वभाव का व्यक्ति कोई आए प्रत्याशी जिसके लिए हम पूरे ऊर्जा के साथ काम करें। जो बैठक थी हमारी पूरे मैहर विधानसभा की, पोलिंग बूथ की महिलाएं उपस्थित थी। बरा, बदेरा, नादन, अमदरा सभी सर्किल की महिलाएं हैं यहाँ पर। अब हम उनको आज बैठक लेकर के उनको काम में लगाएंगे और महिलाओं को महिलाएं ही निकाल पाएंगे और महिलाओं को महिलाएं ही समझ पाएंगी। सबसे पहला कार्ड है लाडली लक्ष्मी योजना का, और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा का, महिला स्वास्थ्य का, जो भाजपा ने दिया ही नहीं है। तो हमें शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये मुद्दा, महिलाओं के लिए महंगाई का मुद्दा, ये सब मुद्दा लेकर हम लोग फील्ड में निकलेंगे और महिलाएं महिलाओं को कन्विंस करेंगी। कहीं ना कहीं आज 18 साल की इस भयभूत भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और आगामी 17 तारीख को हम ये करके दिखाएंगे। और इस बार मामा नाना ने जो गुंडागर्दी चलाई हुई है, मामा नाना जो लूट मचा रहे हैं, मामा नाना ने जो वादे किए थे आम जनता से, वो वादा खिलाफी की, उसके विरोध में आज आम जनमानस उद्वेलित है और इसका माकूल जवाब वो 17 तारीख को देगा। फिर है रन की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।